हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो दिन है आज सोमवार का, तारीख है आज 11 दिसंबर। तो अभी जो है हम आए हैं पूजा करने के लिए। मैंने इन्हें बोला कि मुझे मंदिर में लेके चलो आप, लेकिन ये अभी सो गए थे ना, तो मैंने सोचा कि पहले नाश्ता बना के दे दूँ। पापा को नाश्ता बना के दे दिया, अभी मेरी पूजा बाकी रह गई थी, फिर और के लिए बनाएंगे नाश्ता, अपने लिए और इनके लिए, क्योंकि पापा का अलग नाश्ता बनता है, हमारा अलग बनता है। हम खिचड़ी खाते हैं, चावल वावल ज़्यादा खाते हैं और हम रोटी खाते हैं। तो अभी मैं सामान लेके आ गई हूँ। ये है वाइट चंदन, ये हो गया सिंदूर। उस दिन ना मैंने सिंदूर से टीका छिले कर दिया, और वाइट चंदन ही लेके आई थी मैं, और पीले वाला चंदन है वो तुलसी माता को सिंदूर ही चढ़ाते हैं ना हम, सिंदूर का टीका लगाते हैं, चंदन का लगाते हैं, सिंदूर का लगाते हैं। और जी बतासे हो गए, घी बत्ती होगी, इसमें हो गया दूध, और जी हो गए जल का लोटा। इधर तो सारा सामान लेके आई हूँ जो मंदिर में जाते पूजा करने के लिए। फिर भी यार हमने शिवलिंग यही भोलेनाथ जी को अपने घर ही बुला रखा और अभी यहीं जल चढ़ा देंगे। चलो जी अभी चलते हैं। ठीक है, वंदन तेरे सामने बैठा महाराज। गुरसल भी आ गई। कम होगी गुरसल भी बहुत अब तो। करे तो बहुत थी वे, व्हाइट वाली भी चमक है, देख चमकती तो नहीं, व्हाइट व्हाइट सी हो गई थी, ब्लैक सी चमकती तो नहीं भैया। कौवे तो कौवों में तो दम है भी, कौवे तो खूब है। बोले बाबा हमारी जैसी भी पूजा कर रहे हैं हम, ऐसी स्वीकार कर ले बस जा रही। ये क्या है यार, क्या चाहिए ये तो बताओ, क्या चाहिए ये तो बताओ क्या? अच्छा उधर वो चल रहा है क्या, जंगल का खैर मोगली और उस पर कह रही वो ही चाहिए, मैंने म्यूट कर दी उसकी आवाज। तो अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रही ना, तो इसी वजह से क्या चाहिए आपको बताइयो, क्या चाहिए बताओ, चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए देखो इसके ड्रामे देखो, बिस्किट, तिल सकरी और जी ये सब चीजें गंदे हो गए जी। अब मैं खलके में डाली हूँ उन्हें कचरे में, चल आ रही रुक जा एक मिनट, आज हमारे घर कौन आएगा? मोगली चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं, मोगली चाहिए बस। बुक कहाँ है आपकी है, बुक कहाँ है, बुक कहाँ है? देखो अब नहीं बोलने की बिल्कुल भी। तो जी घर का जो है हमारा झाड़ू पोछा वगैरह ये सब चीजें काम हो गया है, और अभी बस किचन का रह गया थोड़ा सा। पहले मैंने सोचा कि यहाँ कर लूँ झाड़ू पोछा और किचन करेंगे। लड्डू इधर आइए, देखो क्या खा रहे, चॉकलेट है, कौन देखे गया, कौन लाए चॉकलेट, किसने दी चॉकलेट? पापा, चाचू हैं, सागर वे देख गए ना। और जी ये चॉकलेट करी थी, गांव में मिली नहीं, मैं जिंजाना गए थे वहाँ से लेके आए इसके लिए चॉकलेट हैं। ये देखो टमाटर जो हैं भून चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं दाल।
देखिए, और फिर ऊपर से इसमें डाल देंगे गरम मसाला और जी हरा धनिया, गरम मसाला इसमें, तो जी अभी 2:30 बज चुके हैं और अर्णिका हमारे घर कौन आया, अर्णिका की नानी आ चुकी है और अर्णिका इतनी ज्यादा खुश है, बहुत दिखाई तेरे को, इधर आओ कौन आ रहा हमारे घर, कौन आ रहा है, कौन आया, नानी और नाना जी हैं, माँ जी को देखने आए ना, तो अभी थोड़ा सा लेट हो गया आने में क्योंकि आराम आराम से आए ना, 1.5 घंटा लग गया है। कौन आया हमारे साथ में, आते नीचे मम्मी को देखते सर, मम्मी के साथ साथ आ गई एकदम से, और अभी इधर चाय बनने लग रही है तो पहले नाश्ता देंगे, पापा नीचे बैठे हुए हैं और मम्मी जो है ऊपर है मम्मी के पास। कौन आया, कौन आया लड्डू, कौन आए हमारे घर, कौन है ये, कौन बैठी है, बता मेरी मम्मी कौन है, नन्नी के हाथ से चाय पिएगी, मम्मी ठंडी करने लग रही चाय इसके खा ले, अरे सॉरी मम्मी के साथ एकदम आई ऊपर भाग के, वरना आने वाली थोड़ा नहीं थी, जिन्ना ही अच्छा जी, नानी की तो लाड ली है, हाँ एकदम मम्मी के हाथ से पिया, पहनू निकाल दी जुराबे, आ तो डबल पजामे पहना रखी जा, जीत चढ़ जाएगी मम्मी अपने साथ ना लेके जाइयो, हाँ मम्मी के साथ जागी ना नानी की, जागी ना मेरे साथ, अच्छा उनके पास जागी, कहती सुबह यहाँ चल भी आओगी, नन्नी आओगी, मखा नन्नी भी आओगी, यहाँ चल भी आओगी, मखा चल को नहीं बुलाते, यहाँ चल आओगी, नन्नी ले जाए जवाब तेरी, कैसे बैठी पलोती मारी पैरों में, वो मधुमक्खी ने काट रखा ना तो खुजा लग रही होगी, कोई बात नहीं खिंड जान ले, पूरी पूरी रात सोती नहीं, खुजवाओ जा अब तो ठीक होगा, वरना नीला हो रहा था बहुत ज्यादा, आज तो सुबह सुबह की पहन रही, तो डबल पजामे पहना के गई चुभे है, वो ठंड हो रही थी आज तो बहुत उठा भी जा रहा था, गाइस अभी 4:30 बज चुके हैं, मम्मी जो है बस आई 1.5 घंटा रुके, पापा ने कह रहे चलो भाई चलो ठंड और लग रही फिर, और जी अभी बस चलते हैं, ये बैग बांध दिया, इसमें बैग में हमने बांध दिया 4-5 सूट, 2 मम्मी के सूट है, 2 मेरे सूट है, 3 अभी वे सिल लगी आंकल, यहाँ कोई सिलाई वाली मिल नहीं रही, और लेके चल रही है जिससे कि यह कहीं नमस्ते, बस फोन कर दिया जा, दोनों एक जैसी लगे, हाँ दोनों एक जैसी, चलो मम्मी तो 4 साल में आई शादी के बाद, एक बार आई थी बस, हाँ ताई एक्सपायर हो गई थी जब आई थी बस, और 4 साल में आई पूरे, आज नन्नी जा रही है, जा मोबाइल दिख रहा है आप तो, चलो फोन कर दिया जाके, बस बैग से का ध्यान से रख लिया, हाँ सिलेंसर में लग रहा जी, अभी मम्मी पापा जा चुके हैं, और जी अब बस थोड़ा सा लेट आए थे क्योंकि पापा को बट्टे पे भी काम होता है ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा देख के, और थोड़ा फिर 1.5 घंटा आने में लगा, 2:30 बजे आए थे, 4:30 बजे चले गए, 2 ही घंटे रुके बस, और जी बस चलो जी कोई बात नहीं, अपना घर भी देखो, हाँ चल अकेली है फिर भाई, वहाँ पे घर गाँव से बाहर घर है बिल्कुल, और वहाँ पर अकेले रहे ना, चले जी अभी मम्मी यार जा चुकी है, और तो देखिए गाइस अभी जो है शाम का टाइम हुआ है, और जी अभी जो है शाम के टाइम पे थोड़े से बर्तन पड़े थे पहले हमने पूजा की, और ये बर्तन रह गए थे क्योंकि 4-5 बजे के फिर लाइट नहीं, लाइट जो है पता नहीं क्या रहा 2 दिन से, तो अभी शाम के टाइम आती है, पूरी रात रहती है, पूरा दिन लाइट नहीं आती, इन्वर्टर भी डाउन था, तो अभी बर्तन यहाँ पे साफ कर लेंगे, किचन की साफ सफाई करेंगे, थोड़ा सा मेहमानों के साथ में ना बस ऐसे ही हो जाए, जल्दी जल्दी मैं मम्मी जल्दी जल्दी में चले गए, तो अर्णिका के पापा अपनी ड्यूटी गए हुए हैं अभी,
अनिका सो गई है, माँ जी भी अंदर ही है अनिका के पास में। और अभी मैं पहले एक काम करूँ, यहाँ पे खाना वाना तो किसी ने खाया नहीं, दूध दूध पी लिया अभी बस। और मैंने आज दिन में खाना नहीं खाया, जब मुझे भूख लगेगी शाम के टाइम में, रात के टाइम, तो जब मैं खा लूँगी एक दो घंटे बाद, क्योंकि अभी 6:30 बजे 8-8:30 बजे तक खाना खा सकते हो आप। तो चलिए जी अभी कर लेते हैं अपना काम।